बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी फलाफल कबाब और हमस, बहुत ही टेस्टी लगता है, अमेजिंग होता है और बहुत ही इजी होता है बनाना। फलाफल इज़ अ मिडल ईस्टर्न रेसिपी, इट इज़ अ ट्रेडिशनल फूड इन लेबनन और जो हमारे इंडियन टेस्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छा जाता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनता है ये और बहुत ही महंगा बिकता है हर रेस्टोरेंट में, तो चलिए बहुत ही आसानी से बनाते हैं। फलाफल और हमस बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चने भिगो लिए थे जो कि फूल के तीन कटोरी बन गए थे। अब उसमें से मैंने एक कटोरी ले लिया है और उसको हम सीटी लगा देंगे। अप्रॉक्स 2 सीटी लगानी है, उससे ज़्यादा नहीं लगानी है। जब तक सीटी लगती है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1/4 कप लिया है सीसम सीड यानी कि तिल और उसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा इसका रंग बदल जाए, थोड़ी सी अच्छी खुशबू आ जाए और ये थोड़ा फूल जाते हैं। हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगता है और ये बिल्कुल भून के तैयार हो जाता है। अब अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये फूल भी गए हैं, तो चलिए इनको साइड निकाल देते हैं। ये भून चुके हैं बहुत ही अच्छे से। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही महंगी बिकती है रेस्टोरेंट में और घर पे बहुत ही कम दाम में बहुत ही यमी बन भी जाती है। यहाँ मैंने बॉईल किए हुए चने ले लिए हैं। देखिए चने बहुत अच्छे से बॉईल हो जाने चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। हमस जो होता है वो 2 तरीके से बनता है, एक चने छीलकर और एक विदाउट छीले। दोनों ही तरीके से बनाने में हमस के सिर्फ टेक्सचर में फ़र्क आता है, टेस्ट में बिल्कुल नहीं आता। छील के बनाने में क्रीमी ज़्यादा बनता है, बट हम यहाँ विदाउट छीले बना रहे हैं। यहाँ टाइनी सॉस चाहिए होती है। टाइनी सॉस सिर्फ तिल और ऑलिव ऑयल का मिक्सचर होता है, तो यहाँ पे हम टाहिनी सॉस की जगह ऑलिव ऑयल और सीसम सीड डाल दिए हैं यानी कि तिल। यहाँ मैंने नमक डाल दिया है और एक छोटे नींबू का रस डाल दिया है। अच्छे से नींबू का रस डाल दीजिएगा, नींबू का रस ज़्यादा ना हो। 1 चम्मच लहसुन डाल दिया है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने पीसा है और अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच हंग कर्ड डाल दिया है। हंग कर्ड से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छा टेक्सचर हो जाएगा। ये देखिए हमारा हमस बिल्कुल रेडी है। इतना महंगा बिकता है मार्केट में, रेस्टोरेंट वाले इतना महंगा बेचते हैं और बनाना उतना ही आसान है। बहुत ही इजी होता है और बहुत ही यमी लगता है, बहुत ही क्रीमी होता है, बहुत अच्छा। इसमें मेन जो फ्लेवर होता है वो तिल और ऑलिव ऑयल का होता है। ऑलिव ऑयल और तिल से बनती है टाहिनी सॉस, ठीक है। हमने उस सॉस की जगह डायरेक्ट सीसम सीड और ऑलिव ऑयल डाल दिया है बिकॉज टाहिनी सॉस हर जगह नहीं होता। ऊपर मैंने डाल दिया 1 चम्मच अच्छे से ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा लाल मिर्च, आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं एलोपिनोज डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। और ये गार्निशिंग के लिए मैंने लगा दिया धनिया। लग रहा है ना बहुत ही यमी, बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही इजी है ना, और बहुत ही मज़ेदार है बनाना। ऊपर से मैंने डाल दिया इसमें तड़का यानी कि सीसम सीड तिल, ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए। बहुत ही यमी, बहुत ही फ्लेवरफुल लगेगा। अब हम बनाते हैं फलाफल कबाब। जो 2 कटोरी बचे थे चने जो हमने बॉईल नहीं किए थे वो मैं यहाँ लूँगी और मैंने यहाँ डाला धनिया, मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च और लाल मिर्च, 1 चम्मच लहसुन, थोड़े से अदरक अपनी टेस्ट के हिसाब से, जीरा 1/2 चम्मच, 1/4 टीस्पून मैंने लिया काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे मैंने डाला 1/2 कटोरी धनिया और मैंने 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा जो है वो ऑप्शनल है, इसको बिना पानी डाले आपको पीसना है, पर्ल्स पे पीसना है यानी कि चालू बंद करके पीसना है। ये देखिए अभी भी ये अच्छे से पिसा नहीं है, तो इसको मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी अंदर से। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 चम्मच तिल के, इसका बहुत ही यमी फ्लेवर भी आएगा और लुक में भी बहुत अच्छा। यहाँ निकल गया, यहाँ मैंने बैटर निकाल लिया है और अब मैं इसको टिक्की के शेप्स में फटाफट से बना लेती हूँ। आपने देखा ना कितना इजी है, कुछ मसाले डालो और पीसो और फलाफल कबाब तैयार है हमारे।
मैं बीच में मिस कर गई, जब आप ये बैटर पीस के निकालोगे ना तो 2 चम्मच बेसन के भी जाएंगे। आप चाहो तो आप मैदा भी डाल सकते हो। ये देखिए कि मैंने सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं इसको यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। जब तेल गर्म हो जाए एक पैलेट डाल के देख लीजिए कहीं ये फट तो नहीं रही है। उसके बाद मीडियम हीट ऑयल होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा, और बहुत ज़्यादा मत भरिएगा। जितनी स्पेस हो इजीली आप उसको टर्न कर पाएँ उतने ही फलाफल कबाब आप ऑयल में डालिएगा। बहुत ही टेम्पटिंग है, बहुत ही यमी है और बहुत ही डिलीशियस। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, ख़राब लगी तो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फलाफल को हम पीटा ब्रेड पॉकेट में फिल करके खा सकते हैं, रैप बना के खा सकते हैं, या फिर खाली फलाफल और हमस भी खा सकते हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है, तो हम अपने सारे हमस जो फ्राई हो रहे हैं उनको निकाल लेते हैं और जो दूसरा बैच है फ्राइंग के लिए डाल देते हैं। गरम गरम इसको खाइएगा, इतना यमी लगेगा कि आप ज़रूर बार बार खाएंगे। चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा टेम्पटिंग सा हमस तैयार है बिल्कुल, जो कि अब हम खाएंगे फलाफल के साथ। आप खुद देखिए जो फलाफल कबाब है वो कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, और जो हमने तिल डाला था ना उसका देखिए लुक कितना ब्यूटीफुल आया है। तिल ऊपर से अलग से नज़र आ रहे हैं एंड दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल एंड टेम्पटिंग। सो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको कैसा लगा।